गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कीर्ति परोहा 10th इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। इसके पहले बच्चों हमने अलर्टेड टू गॉड पढ़ा था और आज हम एक पोम समझने जा रहे हैं जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ की धूल। और इसके जो कवि हैं वो हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, बहुत वेल नोन हैं ये। और इन्होंने प्रकृतिवादी सिद्धांत के आधार पर बहुत सारी पोम लिखी हुई हैं। तो चलिए बच्चों अपन शुरू करते हैं। द वे अक्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। अब यहाँ पर जो कवि रहता है वो बताता है कि सर्दियों का मौसम था तो बर्फ जमी हुई थी, बर्फ की चादर बिछी हुई थी। और उस दिन कवि का जो मन था वो कैसा था, बहुत खिन्न था, बहुत उदास था। इसलिए वो एक विषैले हेमलॉक यानी विषैले पेड़ के, धतूरे के पेड़ के नीचे जा कर के बैठ जाता है। ये देखिए तो वहाँ पे क्या होता है उस समय, द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी, उस पेड़ के ऊपर जो एक कौआ रहता है उसकी हलचल से क्या होता है, डस्ट ऑफ स्नो, जो बर्फ की जो धूल रहती है या बर्फ के जो टुकड़े रहते हैं वो क्या होते हैं, कवि के ऊपर गिरते हैं। तो उस रिमझिम गिरने वाले बर्फ की डस्ट से उसका जो मन होता है वो क्या हो जाता है, खुश हो जाता है। इस पिक में देख रहे हैं आप कि एक मतलब कौआ है और ये बर्फ की डस्ट उसके ऊपर गिर रही है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। अब वो कहते हैं कि जैसे ही उसका मन उदास रहता है और जैसे ही कौए की हलचल के द्वारा बर्फ की जो डस्ट है उसके ऊपर गिरती है तो उसका जो मन रहता है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है, बदल जाता है, वो खुश हो जाता है और उसका जो पूरा दिन है वो पूरा का पूरा दिन नष्ट होने से बच जाता है। अर्थात कवि का ये कहना है कि छोटी छोटी सी घटनाएं भी हमारे मन को प्रभावित करती हैं, उनके मूड को चेंज करती है। और प्रकृति यानी नेचर में इतनी शक्ति है कि वो छोटी छोटी समस्याओं का हल हमको तुरंत ही दे देती है। तो अब चलो बच्चे इसका देखते हैं सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम। सबसे पहले हम कर लें इसके वर्ड मीनिंग्स। तो डस्ट यानि फाइन ड्राई पाउडर, धूल या चूरा। हेमलॉक अ पॉइजनस ट्री, धतूरे का पेड़। रूट हेल्ड इन रिग्रेट, अर्थात पछतावा। अब हम इसकी सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम करेंगे। तो क्या है इसका सेंट्रल आइडिया, इट इज़ अ ब्यूटिफुल शॉर्ट पोम दैट टेल्स दैट इवन अ सिंपल मोमेंट हैज अ लार्ज सिग्निफिकेंस इन चेंजिंग वंस एटीट्यूड। द पोएट अप्रिशिएट्स द ब्यूटी ऑफ द स्नो फ्लेक्स विच चेंज्ड हिज मूड एंड सेव्ड मैनी प्रेशियस मोमेंट फ्रॉम बींग वेस्टेड। मतलब ये क्या है, एक बहुत छोटी सी लेकिन बहुत ही सुंदर कविता है। ये बताता है कि एक छोटा सा साधारण सा क्षण या एक कोई साधारण सी छोटी सी दिखने वाली घटना भी किसी भी व्यक्ति के या किसी के भी एटीट्यूड में बहुत बड़ा चेंज ला सकती है। और यहाँ पर कवि ने क्या किया है, स्नोफ्लेक्स यानी बर्फ की जो धूल है उसकी सुंदरता को ऐसा वर्णन किया है कि उसके गिरते ही उसके मूड में क्या हो गया, बदलाव आ गया। और जो पूरा दिन उसका जो खराब हो जाने वाला था खराब मूड के कारण, वो भी क्या हो गए, बच गए। तो बच्चों ये थी आपकी पोम और इसके नेक्स्ट, इसमें हम नेक्स्ट पोम डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।